झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल 10वें दिन भी सोमवार को 11 बजे झंडा मैदान में जारी रहा। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवंती देवी कर रही थी। धरना में अतिथि के रूप में महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन और प्रदेश सलाहकार प्रयाग प्रसाद यादव उपस्थित थे। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देवंती देवी ने कही कि जब तक हमारी 8 सूत्री मांगे प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यदि 8 सूत्री मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो तेज आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि मानदेय समेत कुल 8 मांगे शामिल है। मौके पर अंबिका बर्णवाल, नंदा सिंह, सुधा सिंह, सुगनी देवी, मीना यादव समेत कई सेविका सहायिका मौजूद। देवंती देवी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव। आज हम लोग का हड़ताल का 10वां दिन चल रहा है और हम लोगों के ऊपर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अनदेखा कर रहे हैं, तो हम लोगों को अगर मुख्यमंत्री अनदेखा करेंगे तो हम लोग भी मुख्यमंत्री को अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन आज कैबिनेट का बैठक है, देखते हैं आज हम लोगों को क्या मिले और नहीं मिले। आज अंतिम बैठक है कैबिनेट का, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है जैसे सबसे पहले था कि अनुकंपा का लाभ देना होगा, उसमें सीधी नियुक्ति, और जो हेडमास्टर और मुखिया जो साइन कराना था उसमें भी डायरेक्ट हम लोगों को खाते में देना था, और हम लोगों को मानदेय में वृद्धि करना था। तो कितने दिनों से आप लोग बैठे हुए? हम लोग 5 तारीख से बैठे हुए, आज 10वां दिन। क्या रणनीति रहेगा आगे आप लोग का? आगे हम लोग बोल दिए कि आगे हम लोगों का आज के कैबिनेट का बैठक में अगर कुछ नहीं मिला तो हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। हाई स्कूल के पीछे गिरहेड़ी